नमस्कार प्रिय दोस्तों, दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में भगवान अपनी कृपा बरसाते रहें और ऐसी शुभ प्रार्थना आप सभी के लिए करते हुए आज फिर आप सभी के लिए सपनों का फल लेकर हाजिर हैं। निद्रावस्था में आखिर किसे सपने नहीं आते और कौन ऐसा है जो अपने सपनों का फल नहीं जानना चाहता। कभी हमें प्यार भरे तो कभी लड़ाई झगड़े के सपने तरह तरह के दिखते हैं। ये हमारे आने वाले जीवन में शुभ अशुभ संकेत देते हैं कि क्या घटना घटित होने वाली है। तो चलिए आपको बता देते हैं स्वप्न में रुद्राक्ष देखना कैसा होता है। दोस्तों, अगर आपने भी सपने में रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का पेड़ देखा है, पत्तियाँ देखी हैं, तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा सपना है। आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा होने वाली है और साथ ही साथ आप किसी बड़ी बीमारी से रोग मुक्त भी होने वाले हैं। ये सपना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है, उत्तम माना जाता है और साथ ही साथ जीवन की बहुत सारी परेशानियों का अंत होने का संकेत होता है ये दुर्लभ सपना। वैसे भी आध्यात्मिक दृष्टि में शिव पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष की जो माला है ये भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु निकले थे, तो उस अश्रु से बना था रुद्राक्ष का वृक्ष। तो ये भगवान शिव का साक्षात स्वरूप भी कहा जाता है और इसके धारण करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, ये हर तरह से उत्तम और शुभ है। तो ये था स्वप्न में रुद्राक्ष की माला देखने का फल। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।